नमस्कार, खबर के तहत तक मैं आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार देवास से। लैंड पुलिंग योजना को लेकर कांग्रेस एवं किसान जनों ने किया हस्ताक्षर अभियान। वह नुक्कड़ सभा पहले दिन 11 गांव में चला। प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा हाट पिपलिया एवं देवास विधानसभा के करीब 32 गांवों के किसानों की सिंचित भूमि को लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया है, जिसको लेकर किसानों में रोष है। किसान अपनी भूमि लैंड पुलिंग योजना में नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन विश्वजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में गांव गांव पहुंचकर कांग्रेस एवं किसान जन 4 जनवरी को 11 गांव के किसानों के बीच पहुंचकर लैंड पुलिंग योजना निरस्त करने को लेकर अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत लोहार, पिपलिया, टुमन्नी, अलीपुर, सुनवानी, महाकाल, कुमरिया, छोटा टिगरिया, छापरी, झांझरबाड़ी, निवारिया, रसूलपुर, नागदा में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों ने अपने हस्ताक्षर कर कांग्रेस के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि हम किसी भी हालात में हमारी भूमि, जिस पर हमारा जीवन यापन होता है, वह नहीं देंगे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विश्वजीत सिंह चौहान ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, हर हाल में किसानों के साथ न्याय हो, इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे और आप सबके सहयोग से विजय होंगे। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 32 गांव तो देवास एवं हाट में चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, लैंड पुलिंग बंद करो, लैंड पुलिंग बंद करो। क्या अभी तक घोषणा की गई यार योजना? हमने सिर्फ वोटिंग